रोहित की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही ना चला। मुझे प्यास लगी थी, फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने रोहित को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज से रोहित भी उठ बैठा। कहने लगा, सोनिया तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। रोहित बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिबू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहां काफी चहल पहल थी, पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लिए बैठा था। रोहित ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। रोहित उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहां रोहित बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। तभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू एलोन हेयर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंसती। तभी मुझे ढूंढता हुआ रोहित आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं सोनिया और मेरे हस्बैंड रोहित। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। रोहित ने चाय पीने का ऑफर दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते रोहित ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूम आते हैं, पर रोहित का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापस के सारे रास्ते रोहित शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चूम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था, काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाएं। जब मेरी नींद खुली, रोहित बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज़ देने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। रोहित कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो रोहित बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए, जनाब कहाँ खो गए? रोहित पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी, उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाला दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं? मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। रोहित ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू दो बैग लगाने के बाद सेट हो गया था। कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। रोहित उसे समझाने लगा,
अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं, शिबू ने कहा। साहब पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और रोहित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज में और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते? शिब्बू का चेहरा सफेद पड़ गया, वो कुछ नहीं बोला। रोहित ने कहा, क्या हुआ शिब्बू? अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था।